हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 25 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स, यानी कोई कर्व होगी हमारे पास और उसकी एसिम्प्टोट्स की इंटरसेक्शन किस तरह से शो कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल की समझ रहे हैं। सो देयर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, ये कर्व है हमारे पास 2y³ - 2x² - 4xy² + 4x³ -14xy + 6y² + 4x² + 6y + 1 = 0 एंड द एसिम्प्टोट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, और इसकी जो एसिम्प्टोट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। वो लाइन क्या है, 8x + 4y + 1 = 0, ये हमें शो करना है। तो फिर ये शो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस कर्व की एसिम्प्टोट्स निकालनी होंगी, यानी अनंत स्पर्शिस की निकालनी होंगी। तो जो हमने अनंत स्पर्श निकालने का जनरल मेथड था, उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे यहाँ से। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसमें देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की हाईएस्ट पावर टर्म का कोफिशिएंट और वाई की हाईएस्ट पावर टर्म का कोफिशिएंट। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक्स की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट यहाँ 4 है = 0, जो कि कॉन्स्टेंट है। अगर इस 4 को = 0 करें तो कोई वैल्यू नहीं निकलती। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक्स के रेस्पेक्ट एक्स के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे कोई कोफिशिएंट वाई के कोई वैल्यू होती या फंक्शन होता है, जैसे सपोज यहाँ पे 2y + 3 होता और एक्स क्यू एन 4 की जगह ये होता 2y + 3, तो उस कंडीशन में हम यहाँ से कह सकते थे कि इसकी एसिम्प्टोट्स है 2y + 3 = 0, यानी y = -3/2 इसकी एक एसिम्प्टोट्स है। तो यहाँ से अब हम नहीं कह सकते, अब हम नहीं कह सकते, कह के आ सकते हैं। फिर साहब हम यहाँ से ये कहेंगे कि y एक्सिस के अलोंग कोई एसिम्प्टोट्स इसके है ही नहीं। अगर यहां से हम देखें तो यहां पे भी इसकी जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी x = कुछ भी टर्म के करस्पोंडिंग हम कोई भी यहाँ पे एसिम्प्टोट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसके एसिम्प्टोट्स एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स हम निकाल लेते हैं। बट जब हमारे पास एसिम्प्टोट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल के अलावा और भी एसिम्प्टोट्स होती हैं, जो कि हमारे पास इस लाइन पे फॉलो करते हैं y = mx + c, इस लाइन की करस्पॉन्डिंग, यानी जो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, उस तरह के एसिम्प्टोट्स किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये निकालने के लिए हम सिंपली एक जनरल मेथड है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इस जनरल मेथड के लिए हाईएस्ट टर्म वाले कोफिशिएंट, हाईएस्ट वाले टर्म, जैसे यहाँ पे 3 वाली टर्म है ये, इसकी भी हाईएस्ट टर्म 3 है, 2 और 1, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं, पहले सबसे पहले लिखते हैं 5 3 n। तो पहले 5 3 अगर आप बुक में अगर सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो यहां पे लिख सकते हो, चूंकि देयर आर कोफिशिएंट ऑफ x^q एंड y^q आर कॉन्स्टेंट, सो देयर आर नो एसिम्प्टोट्स रेस्पेक्ट टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये तो हमारे पास जब हो गया, जब हमारे पास एसिम्प्टोट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तब ये स्टेटमेंट दे सकते हो। उसके बाद अगर हम देखना है हमें इस तरह के एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले 5 3 n। तो 5 3 n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y = इस 5 3 m का मतलब जो हाईएस्ट पावर 3 है, अगर 4 होती तो 5 4 m निकालते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं y = input and x = 1, यानी ये हम पुट करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन आता है, जैसे y = input करते हैं इसमें 2 m³ एंड यहां से आ जाएगा -2 m - 4 m² और यहां से +4, ये हो गया। अब 5 2 m निकालते हैं, तो 5 2 m निकालने के लिए क्या करते हैं,
बेसिकली सिमिलर वाई बराबर एम और एक्स बराबर वन पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 14m प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4, ये हो गए। और अब 51m निकालते हैं, 51m तो यहाँ पे सिर्फ m पुट करना है, तो ये हो गया हमारे पास 6m, और 50m निकालते हैं तो वो है हमारे पास 1, जिसका हमें कोई यूज नहीं होता 50m का फ्रेंड्स। अब ये वैल्यू हमने निकाल ली, तो अब इसके बाद हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ n। एम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट टर्म जो है यहाँ पे 53, अगर 54 होता तो 54 वाली टर्म, यहाँ पे 53 हाईएस्ट है, तो इस टर्म को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है एम की वैल्यू निकालने के लिए। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो एम बराबर 1 पुट करें तो ये 2 - 2 - 4 + 4 यानी कि 0 हो जाएगा, तो यानी इसका एम बराबर 1 एक इसका कोफिशिएंट है, यहां से मुझे पता चल गया। बाकी कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको अगर हम 2 कॉमन लेने के बाद लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास एम क्यू माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। जब हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन लेके 0 को इक्वल कर दिया, 0 की तरफ डिवाइड कर दिया उसको, तो ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम देखें तो m हमें बताया है m बराबर 1 से कोफिशिएंट है, तो m बराबर 1 इसके हमें एक डिवाइडर बनाना होगा जो कि m माइनस 1 से डिवाइड होगा, तो यहाँ से बनाने के लिए हम कर रहे हैं एम क्यू। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, माइनस एम स्क्वायर चाहिए, क्योंकि जब हम एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एम माइनस 1 अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो इससे कंपेयर करें तो एक एम स्क्वायर बच गया, माइनस एम स्क्वायर, तो ये हो गया, ये माइनस 2 एम स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे चाहिए, अगर एम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें प्लस एम ऐड करना होगा, क्योंकि माइनस एम कॉमन लेंगे, माइनस एम कॉमन लेंगे तो हमारे पास एम माइनस 1 अंदर बन जाएगा। अब यहाँ प्लस एम मैंने ऐड किया तो एक एम को घटाना भी होगा, तो ये माइनस 2m हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एम क्यू एम स्क्वायर कॉमन लिया, एम माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर एम कॉमन लिया, एम माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लिया, एम माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 एम माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया हमारे पास एम माइनस 2 एम प्लस 1 एम माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एम बराबर एम की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 2, 1 एंड माइनस 1, सो 2, -1 एंड 1, तो एम बराबर वैल्यू आई है हमारे पास 2, 1 एंड माइनस 1, ये हमारे पास एम की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इनकी करस्पोंडिंग सी की वैल्यू निकालनी है, तो फिर सी की वैल्यू निकालने के लिए जो सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो हम पुट करेंगे। सी की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है हमारे पास सी इक्वल टू माइनस पाई एन माइनस 1 एम अपॉन फाइ डैश एन एम, यानी हमारे पास जो फाइ एन जो निकाला था हमने फाइ एन जो निकाला था उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एम और फाइ एन माइनस 1 एम, तो हमारे पास जो हमने फाइ एन और फाइ एम निकाले थे वो थे फाइ एन एम था हमारे पास, मतलब 53m जो था हाईएस्ट जो टर्म थी वो 3 थी, तो 53m जो था वो था हमारे पास 2m³ माइनस 4m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4, ये था। और 52m जो था वो था हमारे पास 6m² माइनस 14m प्लस 4, ये हमने पहले निकाले थे, जो यहाँ पे निकाले थे वो मैंने बता दिए थे। तो यहां से अब यहां से पहले हमें क्या करना है, सी बराबर निकालने के लिए फाइव एन माइनस 1 एम, फाइव एन माइनस 1 एम यानी ये वैल्यू सिंपली ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहां से अगर हम 2 कॉमन लेके भी वैल्यू पुट कर सकते हैं सिंपली कर सकते हैं, तो 2 कॉमन लेके कर रहे हैं तो 2 ये हो जाएगा हमारे पास 3m² माइनस 7m प्लस 2, और फाइव एन डैश निकाले तो फाइव एन डैश यहां से निकालेंगे तो फाइव थ्री
डैश एम 53 डैश एम निकालेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 2 ये आ जाएगा। तो यहां से इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो, और यहां पे भी हम 2 कॉमन लेके पुट कर रहे हैं तो 2 और ये हो गया हमारे पास 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 ये हो गया। अब अगर हम इसमें देखें तो 2 से तो 2 कट जाएगा। अब फिर अगर यहां पे हम c की वैल्यू निकाल रहे हैं तो m बराबर 2 पे हम c की वैल्यू निकालना चाहें और साथ में यहां पे माइनस का साइन भी है, ये माइनस का साइन साथ में चल रहा है। अगर हम c की वैल्यू निकालना चाहें तो c की वैल्यू निकालने के लिए पहले m बराबर 2 पुट करना होगा। जब m बराबर 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का साइन बाहर ही है माइनस 7 7 × 2 14 प्लस 2 तो ये तो हमारे पास 2 और ये 40 हो जाएगा और माइनस 40 यानी 0। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू हो गया इसके 2 के करस्पोंडिंग 0। अब हम देखते हैं जब वैल्यू 1 है तो 1 के करस्पोंडिंग देखते हैं तो c बराबर माइनस 1 के करस्पोंडिंग 3 माइनस 7 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 4 एंड माइनस 1 ये हो गया हमारे पास। तो अब अगर देखते हैं तो ये हमारे पास है 3 और ये 5 तो ये बच गया हमारे पास माइनस 2 और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो माइनस 2 अंदर बचा है माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा ये एंड ये हमारे पास माइनस 5 और अपॉन माइनस 2 सो माइनस 2 एंड माइनस 5 बाय 3 सो माइनस 5 में से 3 ऐड किया तो माइनस 2 यानी माइनस 1 आ गया हमारे पास। तो ये 1 एंड माइनस 1 और जब c बराबर जब m बराबर माइनस 1 है तब बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 7 प्लस 2 जब m बराबर माइनस 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 माइनस 1 तो ये नीचे वाले टर्म तो हो जाएगी 6 और ऊपर वाले टर्म की बात करें तो 7 प्लस 5 12 तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो यहां से हमारे पास जो एसिम्प्टोट्स आई हैं उनको हम लिख सकते हैं इसको हम लिखें y माइनस 2x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको। सेकंड आई है हमारे पास y इक्वल टू m की जगह 1 और c की जगह 1 ये c की जगह माइनस 1 y बराबर x माइनस 1 ये भी एक एसिम्प्टोट है तो इसको हम चाहे तो ये लिख सकते हैं y माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। और थर्ड एसिम्प्टोट की बात करें थर्ड एसिम्प्टोट से हमारे पास y और x की जगह माइनस 1 सो माइनस m ये m की जगह माइनस 1 तो माइनस x और यहाँ प्लस 2 इक्वल टू 0 या इसको लिख सकते हैं हम इसको इक्वल टू को साइन इधर लेके आए तो प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी ये भी हमारे पास एक एसिम्प्टोट आई है। अब फ्रेंड्स हमारे पास तीनों एसिम्प्टोट्स आ गई तो अब इस तीनों एसिम्प्टोट्स के जो कंपोनेंट इक्वेशन होगी यानी जो मल्टीप्लाई से जो इक्वेशन होगी वो निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं y माइनस 2x एंड y माइनस x प्लस 1 एंड y प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी इन तीनों को कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया और उसको 0 के इक्वल पुट किया। जब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास y क्यूब माइनस x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4x इक्वल टू 0 यानी जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब हमारे पास हमें निकालने क्या है हमारे पास हमें शो करना है कि इस लाइन के ऊपर ये लाइन करती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें से इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे और माइनस करके साथ में हमें कोशिश क्या करनी है कि ये कोएफिशिएंट ज्यादा ज्यादा माइनस हट जाए तो इसमें हम क्या कर रहे हैं पहले 2 का मल्टीप्लाई किया बेसिकली हम यही तो माइनस कर रहे हैं यही इक्वेशन माइनस कर रहे हैं जस्ट हमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 2y क्यूब यहां पे 2 आ जाएगा यहां 4
यहाँ 14, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 8, ये आ जाएगा हमारे पास। अब जो माइनस करेंगे तो ये टर्म इस टर्म में से ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म भी कट जाएगी, माइनस कर रहे हैं तो माइनस कट रहे हैं तो हमारे पास 4xy² है फ्रेंड्स, ये तो ये भी कट जाएगी, मल्टीप्लाई करके तो ये टर्म आएगी, सारी टर्म जो है वो कट के, और कटने के बाद हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। तो कटने के बाद जब लाइन आएगी हमारे पास वो आएगी 8x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर इससे हमारे पास शो होता है कि जो इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वो इस लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।